ये जाएगा प्रेस में सबसे पहले। बयान के बाद कौन? हो रही है कि हम जैसे डॉन सिनेमा का एक्सपांड कर रहे हैं, तो हमने डॉन सिनेमा की नई ऑफिस आसाम में खोली है, और भाई ज़्यादा बता पाएंगे उसके बारे में। हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट का जो सेक्टर है उसके लिए महमूद भाई ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव किया है, एंड मैं इसको रिसीव कर रहा हूँ राशिद भाई, सफीउल्ला भाई, सिंपल गोगोई और मेरे बिहाफ पे। और ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, आई थिंक ये इनिशिएटिव हमारे हिंदी में बोला जाए तो सर्वोपरि है, बिकॉज ये असम के जो मिड लेवल और लोकल ऐप्स है उससे कई गुना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा असम के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, जो बड़ा सोच पाएंगे, बड़ा कर पाएंगे। और उम्मीद है कि ये जो भी हो पाया है ये सब महमूद भाई के वैसे ही हो पाया है। और हमने एक वेब सीरीज भी बनाई है, राइटर जिसके डायरेक्टर है, और बहुत अच्छी वेब सीरीज़ बनी है जो हम रिलीज़ करने वाले, जल्द अनाउंस करेंगे, ट्रेलर लॉन्च करेंगे, और आसाम के ज़रिए, गुवाहाटी के ज़रिए हम पूरे नॉर्थ ईस्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वर्जिन जगह है, काफ़ी काम कर सकते हैं वहाँ पे ओटीटी के लिए। तो थैंक यू वेरी मच आपका सहयोग का। आई थिंक आईड लाइक टू थैंक महमूद भाई फॉर दिस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव, बिकॉज ये आसाम के और नॉर्थ ईस्ट के फिल्म मेकर्स को ब्लॉसम करेगा, उनके सोच को बड़ा करेगा, एक्सपेंड करेगा। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ कि महमूद जी का स्टूडियो आ गया है। थैंक यू, एंड बहुत 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 अच्छा चलने वाला है, गारंटी। थैंक यू सो मच। जैसे कि आप वीडियो वगैरह बनाते हैं तो आप लोगों को कितनी हेल्प होगी इस स्टूडियो बनने से, कितना फायदा होगा आपको? बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होगा, अलग अलग लोकेशंस मिल जाएंगी शूट करने के लिए, वीडियोज बनाने के लिए। डेफिनेटली, क्योंकि जब हमने डॉन शुरू किया था तो आई वॉज द फर्स्ट जिसको सोशल मीडिया की वैल्यू समझ में आई थी, कि सोशल मीडिया की वजह से जितने, क्योंकि हमारे हाथ में OTT अगर हम मानते हैं तो फ़ोन के ऊपर सारा है गेम, और जितने भी सोशल मीडिया स्टार्स है लाइक रीवा है और भी कहीं है, तो हमने पहले ही प्लान किया था। रीवा वॉज द फर्स्ट जो हमारे ऑफिस आई थी, और हमारे ऑफिस में आके उन्होंने एक अपना वीडियो बनाया था जिससे काफ़ी हमें बेनिफिट्स मिले। तो सोशल मीडिया का और स्टूडियो का और OTT का ये आपस में लेना देना है, और इससे बहुत बेनिफिट्स होंगे, स्टूडियो के लिए भी होंगे और आर्टिस्टों के लिए, इन लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं फिर अनाउंस कर रहा हूँ, जितने भी मेरे सोशल मीडिया के साथ में मेरे बच्चे हैं, इन लोगों के साथ में हमने काफ़ी काम किया है, तो हमको ऐसा लगता है कि जितना स्टूडियो की इनकी ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं मेरी इंस्टाग्राम फैमिली में जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं भी उन लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने एक्स्ट्रा रखा है जो सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए, जो जो बच्चे सोशल मीडिया पे एक्टिव है वो यहाँ के अपने वीडियोस बना सकते हैं, जिसमें हम बिल्कुल पैसे चार्ज नहीं करेंगे उनके साथ में। लाइट, कैमरा, स्टूडियो, AC, एवरीथिंग इज़ फ्री, किसी भी हिडन चार्जेस नहीं लेंगे कि हम ऐसा है, और ये भी नहीं बोलेंगे कि आप डॉन को प्रमोट कीजिए। डेफिनेटली जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो बोलना नहीं पड़ता है कि डॉन को प्रमोट करना है। रीवा ने जहाँ जहाँ मौका मिला, जब जब मौका मिला, मैं रहूँ नहीं रहूँ, दूर रहूँ, तो भी इन्होंने डॉन को प्रमोट किया है। तो इसके लिए जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो एक तरफा नहीं जुड़ते, दोनों तरफा जुड़ते हैं। जब हम दो कदम चलते हैं तो सामने वाला 10 कदम चल कर आते हैं। डॉन स्टूडियो अभी फ़िलहाल ओपन हुआ है, तो मतलब जो भी मतलब स्ट्रगलिंग एक्टर होते हैं जिसको मतलब मौका नहीं मिल पाता है आगे बढ़ने का, तो एक डॉन स्टूडियो ऐसा है जो सबको मौका देगा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आपके लिए कुछ खास एक मील का पत्थर साबित हुआ है? अभी तो ओपन हुआ है, महमूद भाई ने ओपन किया है, तो फिर हमें भी हेल्प होगी इस वजह से। आपको लॉन्च किया जा रहा है, आपके पापा आपको लॉन्च कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे प्रोजेक्ट को लेकर? आप उसके सुनेंगे या महबूब भाई बताएंगे? महबूब भाई से पूछ लीजिए। महबूब भाई क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये स्टूडियो खोलने की वजह ये थी कि जब हम शूट करने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है एक आर्टिस्ट को, यहाँ आके कॉन्फिडेंस मिलेगा रियल लोकेशंस पे आके रियल टीम के साथ में, तो हम लोगों ने जब भाई जैसे आए अंदाज में, तेरा हूँ तेरा रहूँगा सदा, अपने दिल में मुझको
जरा सी दे जगह, तेरा हूँ तेरा रहूँगा सदा, अपने दिल में मुझको जरा सी दे जगह।